Due to absence of deorbital. Which I
सेकंड पीरियड का है तो टू एस है और टू पी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, चार, चार सामने वाला देगा उससे ज़्यादा कोई शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता ना, चार से ज़्यादा रखेगा तो दस भी आ सकते हैं, बारह भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा टेंडेंसी में आठ ही रखने की टेंडेंसी है। गिव टू ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस विद द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन ईच ऑफ देम, फॉस्फोरस के दो ऑक्सो एसिड एक्सप्लेन कर, फॉस्फोरस क्या बनेगा, sp3 d2 ऑटोमेटिक
Important sources of sulfur. सल्फर कहाँ से मिल सकता है? इप्सॉन सॉल्ट ले MgSO4.7H2O या फिर ले सकते हो जिंक ब्लेंड ZLS कॉपर पाइराइट ले CuFeSO2 The reaction C2H4 में उठ डालने के तो क्या प्रोडक्ट होता है C2H4 या इथेन इथेन का क्या कंवर्जन कराओगे तो दो ही बनेंगे CO2 और H2O एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ Al2O3 एल्यूमिना बैलेंस कर लो हाउ इज ओजोन एस्टीमेट क्वांटिटेटिवली ओजोन की एस्टीमेशन कैसे की जाती है ओजोन को एस्टीमेट करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है नेकोस मीडियम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन जब KI के साथ रिएक्ट करता है नेकोस मीडियम में तो यहां पे KI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 1 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको ऑक्सीडाइज करेगा मीडियम का अपने नेकोस लिया ही है तो पोटेशियम का बनाएगा एक बेस KOH ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा तो बनाएगा O2 और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये बनाएगा I2 तो यहाँ पे तुम जो पोटेशियम आयोडाइड लेते हो इसके अंदर जितना भी I नेगेटिव होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है I2 में तो यहाँ पे आपको पोटेशियम आयोडाइड की नोन क्वांटिटी लेनी है कि आप कितना पोटेशियम आयोडाइड डालो अब जितना तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज होकर I2 बनाता चला जाएगा तो इस I2 से कितना ओजोन आपके पास अवेलेबल है जितना ओजोन होगा उतना ही ऑक्सीडाइज होगा नहीं होगा तो हो नहीं पाएगा अब यहाँ से जितना भी ओजोन इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बनाएगा तो यहाँ I2 को आपको रिएक्ट करवाना है सोडियम थायोसल्फेट से तो यहाँ पे ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब तुम आयोडीन रिएक्ट करवाओगे ना मतलब इसको टाइट्रेट करवाना है आयोडीन की क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए जितना आयोडीन होगा उसी से कैलकुलेट करा जाएगा कि ओजोन कितना है तो आयोडीन का पता लगाने के लिए टाइट्रेशन करवाते हैं इसकी फर्दर सोडियम थायोसल्फेट तो टाइट्रेट करके आयोडीन की क्वांटिटी पता लगाते हैं और फिर आयोडीन जब समझ में आता है तो उसी से पता लगाते हैं कि ओजोन कितना है व्हाट हैपेंस व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe+3 सॉल्ट अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड में Fe+3 आयन डाल रहे हो क्या प्रोडक्ट बनेगा SO2 इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe+3 अब एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी हो तो क्या बनेगा SO2 Fe+3 अगर Fe+3 है तो ये किस में जाएगा Fe+2 में और अगर ये हो रहा है रिड्यूस तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज तो यहाँ SO2 और H2O ये मिलके SO4 और यहाँ पे फाइनली Fe+3 जो है वो Why is dioxygen is gas and sulfur is solid? ऑक्सीजन गैस इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो इतना ज्यादा हाई नहीं होता क्योंकि उसमें रिपल्शन होता है रिपल्शन की वजह से बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है तो इसीलिए इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो थोड़ी वीक होती है इसीलिए ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसके बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं इसलिए सॉलिड फॉर्म में SO2 एक्ट एज एन एयर पॉलीपेप्टाइड क्योंकि SO2 को अगर पानी मिलेगा तो SO2 पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा H2SO3 H2SO4 बना सकता है ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है
यहाँ एच टू ओ है ना, एक एच टू और दूसरा एच टू ओ, इनके लिए तो बॉन्डिंग कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे डी टू एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लिक्विड है और ये गैस है. टेंडेंसी टू शो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट डिमिनिशेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम. सल्फर से पोलोनियम तक जाते हैं तो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कम होती चली जाती है. ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम डेल्यूरियम और ही पोलोनियम, तो उसने बोला माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी लगातार बढ़ती है, इसका रीजन देखना. अब माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो उस केस में से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना, माइनस टू तो सभी आएगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा, और नीचे की तरफ जब आप जाते हो तो आयनिक करेक्टर बढ़ता है, कोवलेंट करेक्टर कम होता है, तो इसकी लॉस करने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है और गेन करने की टेंडेंसी कम है. तो ये गेन कर नहीं पा रहा, तो हम इसमें लिखेंगे डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर इंक्रीज. By which they cannot easily accept two electrons. H2S की एसिडिक करेक्टर कम है और H2T की एसिडिक करेक्टर ज्यादा है. सल्फर से टेल्यूरियम तक जाओ हो डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो पुअर है और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, तो ये जल्दी टूटेगा, ये हाइड्रोजन जल्दी लिबरेट करेगा, तो इसलिए ऐसे ही ऐसे फिर चला. नेक्स्ट है व्हिच फॉर्म ऑफ सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सल्फर का कौन सा फॉर्म है जो पैरामैग्नेटिक होता है? जैसे ऑक्सीजन O2 का नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक. वैसे ही सेम अगर आप S2 का बनाते हो तो S2 का नेचर भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक. इसके पास भी MOT जब बनाते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट है ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2. I2 के बीच के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं. ये एक इंटरहैलोजन कंपाउंड है और वो सिंपल एक मॉलिक्यूल है. आप बोल सकते हो यहाँ पे पोलैरिटी है और ये क्या है, तो नॉन पोलर है. तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वैसे भी बहुत ज्यादा स्टेबल होते नहीं है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है. दूसरा इसका पोलर नेचर है और ये आपका नॉन पोलर है, तो इसीलिए रिएक्टिविटी करेगी. व्हाई आर हैलोजन्स बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर? तो
यहाँ पे क्योंकि HF इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को ग्लास बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है और क्लोरीन की ज्यादा। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, क्लोरीन की ज्यादा, क्योंकि इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा और इसमें रिपल्शन कम होगा ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। I2 is more soluble in KI than water. I2 को अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो इतनी जल्दी नहीं घुलेगा, लेकिन अगर उसी I2 को तुम पोटेशियम आयोडाइड में मिलाओ तो वो घुल जाएगा। अब पानी में अगर हम इसको डिसॉल्व करें तो ये क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा पोलर और इसका नॉन पोलर। अगर आप इसी आयोडीन को KI के साथ ऐड करोगे तो ये नॉन पोलर है और ये डाइपोल है, तो डाइपोल जब एक नॉन पोलर एलिमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है तो एक इंडक्शन फोर्स लगती है ना, इंडक्शन की वजह से यहाँ I3 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, मतलब ये कंपाउंड बनाता है Ki3 और यहाँ पे ये आयोडीन इसके साथ मिलकर एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है, जो कि ये वाटर के साथ नहीं कर सकता, मतलब वाटर के साथ मिलकर ये आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, लेकिन उसके साथ मिलकर बना सकता है, इसीलिए वहां रिएक्शन करता है, यहाँ रिएक्शन नहीं करता। इसमें आपको बताना है कि जो हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं हैलोजन के, इनमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कौन करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सारे ही, सबसे ज्यादा करेगा यहाँ पे आयोडीन, उसके बाद आएगा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद आएगा क्लोरीन, क्योंकि इन सब में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन इतनी जल्दी रिलीज नहीं करे, इसकी कम है इसलिए रिलीज कर देगा। दो पॉइजनस गैस बताओ जो क्लोरीन से मिलकर बनते हैं। फॉजी फॉजी COCl (2:2) और पियर गैस मस्टर्ड गैस के मस्टर्ड गैस हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग अपैरेटस। डाइविंग में जाते हैं तो हीलियम गैस लेके जाते हैं, क्यों? ब्लड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है, ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो F2 की होती है कम, लेकिन फिर भी F2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम बोलते हैं कि क्लोरीन ज्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर मैग्नेटिक किसकी है? क्लोरीन की। तो इसका आंसर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पोटेंशियल के भी हाथ में बताते हैं ना, और अगर हम पोटेंशियल देखें तो
पोटेंशियल में हाइड्रेशन एंथैल्पी भी काउंट होती है, तो यहाँ फ्लोरीन की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिकॉज टोटल जो ई नॉट वैल्यू नेगेटिव ज्यादा आती है वो इसकी आती है। पाइरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O7। अब दो फॉस्फोरस तो ऐसे बना लो, एक डबल बॉन्ड हो तो बनना ही बनना है, और दो फॉस्फोरस है तो एक ऑक्सीजन से वो ऐसे लिंक होगा। अब ऑक्सीजन कितने बचे, चार, हाइड्रोजन भी कितने, चार, तो दो OH इधर, दो OH इधर, बेसिसिटी फोर हो गई। H3PO4 इज डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक कैसे एक्सप्लेन, इसका स्ट्रक्चर बना लो, एक ये हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, तीन, OH बन जाएगा, OH और OH, H3PO4 डाइप्रोटिक तो नहीं होना चाहिए, ट्राइप्रोटिक होना चाहिए ये तो, या तो फिर ये H3PO3 होगा, कोशिश पे लगा H3PO3 होगा, जब PO3 होगा तो यहाँ ऑक्सीजन होंगे दो, और यहाँ से हाइड्रोजन कितने रिलीज करेगा, दो, तो उस केस में डाइप्रोटिक हो सकता है, अदरवाइज फिर ये ट्राइप्रोटिक में जाए। NF5 PF5 बना सकते हैं, NF5 नहीं बना सकते, इसका आंसर तो सबको ही पता हो, NF5 do not exist। अगर NF5 बनाओ तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 ये रख नहीं सकता, क्यों नहीं रख सकता, स्मॉल साइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, NH3 बेसिक ज्यादा होता है और BiH3 की बेसिसिटी कम होती है। एक्सप्लेन करना है, NH3 भी ज्यादा बेसिक है, BiH3 कम है, क्योंकि नीचे की तरफ क्या साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो लोन पे डीलोकलाइज ज्यादा होंगे, इसका लोन पे इसी के पास रहेगा, तो इसलिए ये इजीली डोनेट कर पाएगा, ये सब इजीली डोनेट कर नहीं पाएंगे, तो यहां पे एज द साइज इंक्रीजेस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डीलोकलाइज्ड बाय विच दे एक्ट एज पुअर डोनर, दैट्स व्हाई अमोनिया इज मोर बेसिक। PCl5 में सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते, ऑल बॉन्ड आर नॉट इक्विवेलेंट। PCl5 की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, नहीं नहीं ट्राइगोनल बाइलैटरल, 1 2 3 4 5, तो तीन तो इक्वेटोरियल प्लेन पे बनेंगे और दो एक्सियल पे बनेंगे, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी कैसे, दो बॉन्ड है तो देयर आर टू बॉन्ड्स, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, PH3 का कम होता है, लोन पे
एच थ्री एंड एन एच थ्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें एच बॉन्ड बनता है, उसमें एच बॉन्ड नहीं बनता। आसान तो सारे ही है। नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स ब्राउन एंड रिलीज्ड इन एयर। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? एनओ। अगर इस एनओ को एयर के कॉन्टेक्ट में लाया जाए तो ये ओ2 के कॉन्टेक्ट में आएगा और ये एनओ ओ2 के साथ मिलकर क्या बना देगा? एनओ2। और एनओ2 का कलर कैसा होता है? ब्राउन। तो इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड एयर के कॉन्टेक्ट में आके ब्राउन कलर देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनओ2। PCl5 act as oxidizing agent as well as reducing agent. ये reducing agent की तरह भी काम करता है और oxidizing agent की तरह भी काम करता है। मतलब reduction और oxidizing काम करता है। PCl5 को अगर हम heat कर दें तो PCl3 और Cl2 PCl3 भी बनाएगा और Cl2 भी बनाएगा। अच्छा PCl5 को दोनों की तरह बिहेव करवा शो करने के लिए यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? प्लस फाइव। तो प्लस फाइव से ये दो शो करेगा, इसको पानी में डालो। एक तो बनाएगा ये H3BO3 और दूसरा बनाएगा PH3। तो पांच से घटेगा ये और बढ़ेगा। यहाँ पे H3PO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका तो माइनस थ्री हो गया और इसका कितना होगा? अच्छा ये रिएक्शन भी होगी इसमें। ये तो PCl का हो, हाँ PCl3। यहाँ पे PH3 PCl5 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका सीधा सीधा आंसर हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम PCl5 लें तो PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव है और PCl5 जो है फास्फोरस के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, ये प्लस फाइव भी दिखा सकता है प्लस थ्री भी दिखा सकता है। तो क्योंकि दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है इसलिए रिड्यूसिंग एक्शन भी दिखा सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हो सकता है। सल्फर इन वेपर स्टेट एग्जिस्ट अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर S2 की फॉर्मेशन के लिए S2 की फॉर्मेशन की वजह से SF4 की स्ट्रक्चर बनानी है। SF4 की सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? छह। छह में से चार बॉन्ड बना रहा है तो चार बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर बचेगा। अब चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी? 1 2 3 4 और ये एक लोन पेयर तो 1 2 3 4 सी सो हो गए। सी सो एच टू एस ओ फोर में के वन और के टू दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? एच टू एस ओ फोर को पहले डिसोसिएट करोगे एच प्लस और एच एस ओ फोर माइनस तो यहाँ पे के वन आएगा और HSO4 को अगर डिसोसिएट करवाया जाए तो H+ और SO4 माइनस टू तो K2 आया। दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? K1 is greater than K2। जैसे जैसे हम एक एक हाइड्रोजन निकालते जाएंगे कंपाउंड आयनिक बनता जाएगा और अगर कंपाउंड आयनिक बन गया तो आयनिक वाले में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं हो रहा तो उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है? कमी आया। जब अगर कोई भी एसिड हाइड्रोजन आसानी से रिलीज कर रहा है तो उसका वैल्यू ज्यादा आएगी और अगर वो धीरे धीरे रिलीज कर पा रहा है तो उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। तो मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करके हमेशा किसी भी एसिड में के वन की वैल्यू के टू के थ्री सबसे ज्यादा ही होती है, धीरे धीरे करके वो कमी होती चली जाती है क्योंकि वो एलिमेंट न्यूट्रल से आयनिक में कन्वर्ट होता चला जाता है। How is the presence of SO2 detected? SO2 को कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? डिटेक्ट कर लो पंजेंट स्मेल होती है इसकी। दूसरा आप डिटेक्ट करना चाहते हो तो इट कैन डीकलराइज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है उसको डीकलराइज कर देता है। दो टेस्ट से पता लगा सकते हो। दो यूज बताने CLO2 के। CLO2
ब्लीचिंग की तरह वर्क करता है और वाटर ट्रीटमेंट में भी, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। Cl2 को बनाना है HCl से। Cl2 को HCl में O2 डालो, H2O बनता है, Cl2 बनेगा, H2O बनेगा, CuCl2 की प्रेजेंस में होता है। कौन सी प्रोसेस है? डेप्कन्स प्रोसेस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। व्हाई आर हैलोजन्स कलर्ड? नॉन पेयर्ड, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि इनके पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या लाइट जैसे मिलेगा, एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होगा फिर डी एक्साइटेशन करेगा, फिर कलर दिखाएगा। एक्साइटेशन के बाद जब डी एक्साइटेशन होती है कलर दिखाता ही दिखाता है। तो इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।